गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन मैरिज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि सोशल स्ट्रक्चर को किस तरह से औद्योगिकरण प्रभावित करता है। उसमें हमने ग्रोथ ऑफ वेरियस सोशल क्लासेस पर बात करी थी। उसके बाद हमने इम्पैक्ट ऑन कास्ट एंड क्लास सिस्टम पर बात करी थी। आज हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन मैरिज। मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम फिर पुनः जाते हैं अपने उस टॉपिक पर जो हम पिछले कुछ समय से चर्चा कर रहे हैं कि सामाजिक संरचना पर जो प्रभाव पड़े हैं, विभिन्न प्रभावों को हम देख रहे हैं। आज हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का विवाह पर क्या प्रभाव पड़ा है। विवाह एक अनिवार्य सामाजिक संस्था है। विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार माना जाता है। वर्तमान में इस स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि भारत में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता रहा है और इस धार्मिक संस्कार को करने के लिए निश्चित रीतियां हैं, धार्मिक नियम हैं, जिनके द्वारा विवाह संपन्न किया जाता है। क्योंकि भारत विभिन्न जातियों का देश है, इसलिए प्रत्येक जाति का अपनी रीतियों का समावेश है और सभी जातियां अपने रीति के अनुसार विवाह बंधन में बनती हैं। लेकिन आज इस व्यवस्था पर भी औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा है। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन मैरिज। द फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन एज ऑफ मैरिज। पहला जो पॉइंट है वो है विवाह की आयु में वृद्धि। सबसे पहला प्रभाव जो हम देखते हैं, क्योंकि भारतवर्ष बाल विवाहों के लिए प्रचलित था, माँ के गर्भ से ही बच्चे का विवाह तय हो जाता था और यहाँ तक कि छोटे बच्चों को थाली में बैठा के विवाह कर लिया जाता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन एंड टेक्निकल फैसिलिटीज़ के कारण आज विवाह प्रभावित हुआ है, क्योंकि उद्योगों में काम करने वाले जो लोग थे उन पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा और अब औद्योगिक व्यवस्था में व्यक्ति का शिक्षित होना भी आवश्यक हो गया। पहले बाल विवाह के दोषों को समझा नहीं जाता था, लेकिन आज ये माना जाने लगा कि बाल विवाह करने से किस तरह से परेशानियां, समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए अब जब बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, जब वो शिक्षित हो जाती हैं और विवाह के योग्य तभी माना जाता है जब वो शिक्षित हों, और साथ ही यह भी देखा जाने लगा है कि शिक्षित होकर अपना रोज़गार करें। इस कारण से विवाह की आयु बढ़ गई है। अब युवक और युवतियां 18 से 25 साल की आयु में विवाह उनके किए जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ट्रेंड इन लिविंग अनमैरिड। अविवाहित रहने का
चलन। औद्योगिक नगरों में अविवाहित रहकर भी बहुत से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी सुविधा में रहते हैं। पहले विवाह को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन वर्तमान में धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति से दृष्टि से कम देखा जाता है। उद्योग में तथा उद्योग के बाहर अविवाहित व्यक्ति के सम्मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विवाह ना करके भी युवक एवं युवतियां विवाहित जीवन की सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं तथा विवाह के कारण उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्वों से बड़ी आसानी से वे बच सकते हैं। जिसे हम कहेंगे लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। आज हम देखते हैं कि औद्योगिक नगरों में अनेक युवक एवं युवतियां अविवाहित रहने में उन्हें कोई भी संकोच नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरकास्ट मैरिज। पहले भारत में एक जाति विशेष का विवाह उसी जाति के अंदर होता था। युवक एवं युवतियां एक ही जाति के होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रवृत्ति टूटती जा रही है। आज हम देखते हैं कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप उपयुक्त वर और वधु यदि दूसरी जाति में भी मिलता है तो जाति के बंधन पर ध्यान दिए बिना उनका विवाह कर दिया जाता है। पहले उच्च जाति के लड़के का विवाह निम्न जाति में हो जाने पर जाति के अशुद्ध होने की बात कही जाती थी, लेकिन शिक्षा के प्रसार तथा जाति प्रथा के विघटन ने अब यह बात सामान्य सी हो गई है। लेकिन उपयुक्त वर वधु मिलने पर ही विवाह कर देने में उन्हें कोई बुराई नहीं लगती, चाहे वो किसी भी जाति के हों। द नेक्स्ट पॉइंट इज लव मैरिज, प्रेम विवाह। पहले लड़के का विवाह करते समय तथा लड़की का विवाह करते समय लड़का देखने का या लड़की देखने का कार्य माता पिता के द्वारा या घर के बुजुर्गों के द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इस प्रथा में परिवर्तन आया है। क्योंकि लड़के लड़कियां आजकल एक साथ कार्य करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनकी यही प्रसन्नता और मित्रता धीरे धीरे प्रेम में और फिर उसके पश्चात विवाह में परिणित हो जाती है। वे माता पिता की इच्छा के विरुद्ध भी इन विवाहों को कर लेते हैं। पहले समाज में प्रेम विवाह अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अब ऐसा होने में कोई बुराई या अस्वाभाविक नहीं माना जाता। द नेक्स्ट वन इज कोर्ट मैरिज, न्यायालय में विवाह। क्योंकि भारत एक विभिन्न जातियों धर्मों का देश है, वहाँ धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह किया जाता था, उसे धार्मिक संस्कार माना जाता है। लेकिन विवाह धार्मिक रीति एवं व्यवस्था के अनुसार किसी पंडित के द्वारा या मुल्ला के द्वारा या पादरी के द्वारा किया जाता था तथा एक निश्चित प्रक्रिया, जैसे हिंदुओं में सगाई, लगन, दरवाजा, फेरे, कन्यादान, विदाई, इन रीतियों के द्वारा पूरा किया जाता था। लेकिन अब इसमें
बहुत परिवर्तन आ गया है। प्रेम विवाह करने वाले युवक और युवती न्यायालय में जाते हैं, एक निर्धारित स्टाम्प में जो डॉक्यूमेंट है उस पर सिग्नेचर कर विवाह कर लेते हैं। वे किसी भी धार्मिक परंपरा का पालन नहीं करते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विवाह एक सामाजिक समझौते के रूप में, मैरिज एज ए सोशल एग्रीमेंट। औद्योगिक व्यवस्था में विवाह एक धार्मिक और पवित्र संस्कार के रूप में नहीं माना जाता, बल्कि इसे भी एक व्यापारिक समझौते की तरह धन निरपेक्ष या सामान्य बंधन बनकर रह गया है। विवाह करने का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं रहा, बल्कि इसका उद्देश्य जैविकीय और आर्थिक रह गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रैक्टिस ऑफ डिवोर्स, विवाह विच्छेद का प्रचलन। पहले यह कहा जाता था कि जहाँ से डोली उठी है, डोली गई है, वहीं से अर्थी भी निकले, यानी जहाँ विवाह हुआ है वहाँ आजीवन निष्ठापूर्वक अटूट बंधन को मानना है। पति पत्नी में परस्पर मतभेद हो जाने पर भी वे एक दूसरे को नहीं छोड़ते थे, लेकिन अब पति पत्नी में मतभेद होने के अवसर बढ़ गए हैं, क्योंकि दोनों ही अब आर्थिक रूप से संबल हैं, साथ ही स्वतंत्र विचार रखते हैं, शिक्षित हैं, कमाते हैं और एक दूसरे के दबाव का अनुभव नहीं करना चाहते। इसी कारण से छोटी छोटी बातों में मतभेद बढ़ जाता है और यह एक बड़ा रूप लेके अंतर्विवाही विच्छेद या तलाक के साथ होकर रुकता है। तो इस प्रकार विवाह अब केवल औपचारिक आरोपित कर्तव्य परायणता एवं धार्मिक बंधन नहीं रहा है, बल्कि दो प्रमुख प्राणियों का समझकर एक दूसरे के साथ वास्तव में प्रेम के योग्य मानकर एक दूसरे के स्वतंत्र व्यक्तित्व को विकसित करने का साधन हो गया है। तो इस तरह से आज हमने कुछ पॉइंट्स पर विचार किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मैरिज पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इस तरह से आज इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में हमने मैरिज पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या असर हुआ है, इनमें कुछ पॉइंट्स को हमने देखा। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और कोविड के नियमों का पालन करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।